स्टडी विथ मनीष चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिस आपका वर्ड प्रॉब्लम से आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। ओके, ए ट्री, एक पेड़ है, वो क्या हो रहा है, हवा के कारण वो टूट रहा है। ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 फ्रॉम इट्स बेस। सबसे पहले तो इसका फिगर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, लेट कर लेते हैं, ये क्या है, एक ट्री है। ओके ना, और ये हवा के कारण टूट रहा है, एट द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। ये बेस से जो है जब टूट के, ये मान के चलिए यहां से क्या हुआ, ये टूट के गिर रहा है, और इस बेस पे कितने मीटर पे, 1.5 मीटर पे, यहां से लेके यहां। अब बताइए कि अगर ये ट्री है तो कितना टूटा, मान के चलिए अगर यहां से टूटा होगा ये, इसको मान लेते हैं क्या, एक्स मीटर। ओके ना, तो यहां से अगर टूटा होगा और ये जो गिरा टूट के, यही ना जाके यहां अर्थ पे इसके बेस पे जाके लुढ़का, मींस ये यहां से टूटा तो यही ना जाके यहां पे क्या होगा, नीचे गिरेगा। यहां देखो ना भाई, तुम उधर क्या देख रहे हो, यहां देखो, तो यहां जाके इस पे क्या हुआ, यही जो ट्री है ये जाके यहां क्या हुआ, टूट के इस पे गिरा। तो इसका अगर एक्स मीटर होगा, इसका एक्स मीटर होगा अगर ब्रांच टूटा हुआ, तो ये भी क्या होगा, एक्स मीटर ही होगा, होगा ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द ट्री ब्रोकन एट हाइट ऑफ 2 मीटर, मतलब कहां से ये टूटा है, यहां से लेके यहां तक जो है, यहां 2 मीटर है और 2 मीटर पर टूटा है, 2 मीटर के बाद ये क्या टूट के गिर गया, तो ये 2 मीटर इसका हाइट है और ये तो 1.5 मीटर है। ओके ना, ट्री को मान लेते हैं क्या, ए बी, ए से बी तक। ओके ना, ये ट्री है, ए से लेके बी तक, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, पी पे टूट गया, इसको क्यू मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो ना, नो सर। तो ये पी से लेके बी तक यही पार्ट जो है टूट के गिरा है, किस पे, इसके बेस पे, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, 1.5 मीटर, और ये गिरा, इसको हम पी भी क्या मान लेते हैं, पी भी क्या लेट कर लेंगे, एक्स किलोमीटर, और यही जाके टूट के क्या गिरा, ये पी बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पी क्यू, नहीं समझ में आया, पी क्यू, यही ना पी बी के बराबर होगा, पी क्यू ये भी क्या होगा, एक्स होगा, दोनों तो बराबर है, इसको नोट में लिख लो, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब निकालना हमको क्या है, हाइट ये 2 मीटर लिखी दिए, फ्रॉम द ग्राउंड व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री, पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक टोटल जो ट्री का हाइट है कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये इस पे जब परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल का इसका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट एंगल के जो सामने वाला होता है साइड, वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, एच इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, बेस हो गया इसका, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब एक फार्मूला आप लोग को बताए हैं, क्या बताए हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर, पहले लिख दो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में, पी ए क्यू में, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, मतलब पी ए क्यू ट्रायंगल में क्या हो गया तुम्हारा, सबसे पहले लिख दो तुम हाइपोटेनस इक्वल टू एक्स, हाँ यही है ना, फिर परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मीटर, यहां से यहीं तक ना परपेंडिकुलर हुआ 2 मीटर, और ये तुम्हारा बेस कितना हो गया, बी इक्वल टू 1.5 मीटर। अब जब ये हो गया, इसको मिटा दो क्वेश्चन को क्या, ठीक है यहां लिखते हैं। ओके, तो आपका हो गया, एक फॉर्मूला बताए हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच कितना है, एक्स मीटर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर प्लस बी कितना है, 1.5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, और 15 into 15 जा होता है 225, मीन्स 2.25। ओके, अब इसको ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 plus 2 6.25 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6.25, इसको हटा सकते हैं, 100 लिख सकते हैं नीचे, हाँ तो क्या हो जाएगा, 25 into 25 होता है 625, तो ये 25 और बाय 10 हो जाएगा, हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा पूरा 2.5 हो जाएगा। x निकल के आ गया कितना 2.5 मीटर। जब मेरा x निकल गया 2.5 मीटर तो ये क्या हो जाएगा, यही ना बराबर इसके है, x बराबर pq, तो ये 2.5 हुआ। जब ये 2.5 तो ये भी क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। अब हमारा ट्रेड इसका ट्री का नहीं हाइट निकाल लेंगे, ट्री का हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑफ ट्री इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 2 मीटर। ये 2 और ये दोनों ऐड होके ना टोटल ट्री है, ये जो टूट के गिरा है वो भी हाइट में था ना, तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी, ए से लेके बी तक, उसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी होगा ना। यस सर, जोड़ दो दोनों को, ए पी कितना है 2 प्लस पी बी कितना निकला 2.5, तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ ट्री बराबर 4.5 मीटर। यही क्या हो गया आंसर, समझ में आया? यस सर, समझ गया? यस सर, ओके।